हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सेकेंड की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फोर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज ए के बारे में। ठीक बच्चों, देखिए, हम लोगों ने इस चैप्टर का इनिशिएशन कर दिया था, शुरुआत कर दिया था, शुभारंभ कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमको इस चैप्टर में आगे बढ़ना है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेम लिखना सीख लिया था। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करवाऊंगा, फिर हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों, जैसे बच्चों को कह दूँ, मेरे पास एक नंबर है 2, 3, 5। मैंने पूछा इसका नेम क्या होगा, तो नेम लिखने के लिए मैंने बताया था बच्चों, क्या बताया था कि पहले इनका राइट साइड से प्लेस लिखो। ये वंस प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है, और ये हंड्रेड प्लेस पर है। किस प्लेस पर बच्चों? हंड्रेड प्लेस पर। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिविजन करवा देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना रह जाए। तो जो टू किस प्लेस पर है? हंड्रेड प्लेस पर। लिखेंगे टू हंड्रेड। अभी चीज का काम खत्म हो गया, बचा ये 3 और 5। अब जो लास्ट के दोनों नंबर हैं बच्चों, उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? 35। ठीक है, देखो 35 ये हो गया तुम्हारा नंबर का नेम। बच्चों, ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, कैसे इनको राइट करते हैं, लिखते हैं। ठीक बच्चों, तो अगर आपने नहीं किया है तो बच्चों ये आपकी परेशानी है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो हम यहाँ से क्या कर पाएंगे? आप क्लास से ऑनलाइन पढ़िए, हम आपकी कॉपी को वो चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, या पूरी ईमानदारी से अपना काम करें और हमें उसका फोटो भी सेंड करें। ठीक बच्चों, तो आप इसे नोट करो, फिर मैं डिलीट करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, और ये सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ और हम अपने एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाएंगे। एक्सरसाइज ए बच्चों, आपके पास ये बुक होगी, इसे ओपन करेंगे और पेज नंबर 27 पर आप आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, और हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, लिखा हुआ राइट द नंबर देन, राइट द नंबर नेम। तो उसमें फर्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है 1, 6, 5, मतलब 2 लिख रहा हूँ नंबर को। क्वेश्चन नंबर बी लिखा हुआ है बच्चों 1, 7, 8, इसका भी नेम हमें लिखना है। ठीक है, नेम कैसे लिखेंगे बच्चों, आप बताओ। चलो अब बच्चों बताओ, ये 5 किस प्लेस पर है? 1 प्लेस पर है। ये 6 किस प्लेस पर है? 10 प्लेस पर है। ठीक है, 1 ये 10 किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है, है कि नहीं है? है। तो बच्चों इसको हम का इसका नाम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 100। 1 किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर। लिखेंगे 100। ये अब बच्चों का लास्ट का दोनों को एक साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? 65। कैसे पढ़ेंगे? 65। तो बच्चों ये आपका काम हो गया, आपका ये नेम लिख लिया आपको, बात समझ आई? ऐसे ही बच्चों इस पर आ जाओ, ये बच्चों किस प्लेस पर है? ये 1 प्लेस पर है, ये 10 प्लेस पर है, और ये 100 प्लेस पर है। ठीक है, तो इसका नेम लिखना होगा बच्चों, तो इसका नेम कैसे लिखेंगे? 100। 1 किस प्लेस पर बच्चों? 100 प्लेस पर। 100 क्या लिखा बच्चों? 78। इन दोनों का एक साथ पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? 78। क्या पढ़ेंगे बच्चों? 78। बात समझ में आई आपको मेरी बात? ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन सी और डी भी जल्दी से सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, जल्दी नोट कर लो इन्हें आप।
आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी और सी की तरफ, सी और डी की तरफ। ठीक है बच्चों, चलो बहुत आसान है ये, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी देख लो और क्वेश्चन नंबर डी देख लो। क्वेश्चन नंबर सी में हमारा लिखा हुआ है 191 और 143, ये हमारा नंबर लिखेगा। ठीक है, अब इनका हमें लिखना है नेम, क्या लिखा बच्चों, नेम। फिर मैंने कहा जो कहा सेम टू सेम सेम, ये वन से प्लेस पर, ये टेन से प्लेस पर, ये हंड्रेड से प्लेस पर, बात समझ आ गई। तो 100 क्या लिखेंगे, 100 इन दोनों को एक साथ क्या पढ़ेंगे जो 91 क्या पढ़ेंगे 91 क्या पढ़ेंगे जो 91 बस बच्चों आपका काम हो गया, इसका नेम हो गया। आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत आसान है। फिर बच्चों आ जाओ इस क्वेश्चन पर, ये वन प्लेस, ये टेंथ प्लेस, ये हंड्रेड प्लेस। फिर बच्चों बताओ वन किस प्लेस पर है, हंड्रेड प्लेस पर, लिखेंगे 100। बच्चों ये तीन दोनों को एक साथ क्या लिखा हुआ, ये 43 क्या लिखा हुआ बच्चों, 43 बताओ कितना आसान है। ठीक है बच्चों, बताओ कितना आसान है, आपको मेरी पूरी पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, तो आप जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ इस बात पर। आसान है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। और मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जी भी कर लो, क्वेश्चन नंबर जी भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जी है बच्चों 126, हमको इसका भी नेम ही लिखना है। चलो इसका भी लिख के खत्म भी कर देते हैं। ठीक है तो बच्चों इसका नेम लिखना होगा, तो इसका नेम कैसे लिखोगे, कहोगे सर ये वन प्लेस पर है, ये टेंथ प्लेस पर है और ये हंड्रेड प्लेस पर है। और जब क्या लिखे 100 क्या लिखेंगे 100 और ये क्या बच्चों
26 है, ठीक है, 26 ये हो गया बच्चों इस नंबर का हमारा नेगेटिव। ठीक है, देखो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए ताकि आपको कोई समस्या का दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से अपने नोट कर लो, फिर मैं आपको ले चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको नंबर नहीं लिखना है, नंबर नहीं लिखना है आपको। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर ए में, क्वेश्चन नंबर बी लिखो, क्वेश्चन नंबर सी लिखो, क्वेश्चन नंबर डी लिखो। इन सभी का बच्चों को नेमिंग करना है, क्या करना है, नेमिंग करना है। जल्दी से नोट कर लो कि हम आगे बढ़ रहे होंगे। आपने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे की ओर मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों अभी तक हम ये टोटल डिजिट्स के नंबर को स्टडी किया था, अब हम थ्री डिजिट्स पर मूव कर रहे हैं, यानी कि 100 से ज़्यादा और 200 से लेस पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, 100 से लेकर के 200 तक नंबर्स कैसे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं सारे नंबर्स को आपको लिख रहा हूँ। देखो बच्चों, जैसे मैं नंबर्स को लेफ्ट टू राइट लिखते जाऊंगा, और आपको अपने इस बुक में सेकंड क्वेश्चन है 102, 103, 104, 105 ऐसे फिल करेंगे, फिर 111, 112, 113, 114 इस तरीके से फिल करेंगे। ऐसे ही आप सभी नंबर्स को फिल करते जाएंगे, मैं आपको वहां पे बोर्ड पे राइट करवा रहा हूं, लिखवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, फिर हम इस क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे। ठीक है, चलो आराम से बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी वाली वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू में बच्चों ने पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू है बच्चों हमारा, क्या लिखा हुआ है, राइट द मिसिंग नंबर, राइट द मिसिंग नंबर। ठीक है बच्चों, तो अब हम पूरे नंबर्स को भी लिख लेते हैं ताकि वो पता तो रहे कि 101 से लेकर 200 तक नंबर्स कैसे कैसे और किस ऑर्डर में आते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं नंबर्स को लेफ्ट टू राइट लिखूंगा। ठीक है, चलो
अब देखो जो पहले पहले आया 111, सॉरी 101, 102, 103, 104, 105, आप भी मेरे साथ बोलना 106, 107, 108, 109 और 110। बच्चों ऐसे ही आपको नंबर्स को राइट करते जाना है, आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ऐसे ही आपको समझना है। फिर आ जाओ बच्चों, फिर आ जाओ 111, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 111, 112, 113, 114, बोलते जाओ मेरे साथ, आप 20 दिख रही है, 115, 116, 117, 118, 119, 200। ठीक बच्चों ये हो गया। फिर आ जाओ अब 20 का क्या आता है, अरे 120 तो क्या कर रहे हो तुम लोग, 120 ठीक है। 20 का क्या आता है बच्चों, 21 पर जाओ, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 और 130। देखो जो मैंने सारे नंबर्स को राइट कर दिया है, आपको भी ऐसे ही राइट करना है, आप कुछ भी बदमाशी नहीं करेंगे अपने तरफ से, ठीक है। अब 30 के बाद क्या करो, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 और 140। ये हो गया बच्चों हमारा 40 का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब से बच्चों 40 का क्या था, 41 बोलिए, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150। योग बच्चों हमारा आवाज आप 50 का क्या था, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 है, ठीक है। अब जो 60 के बाद क्या था बच्चों, 60 के बाद आता 61, ठीक है। अब लिख लो 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 और 170। अब 70 के बाद क्या था बच्चों, 71 लिख लो, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180। अच्छा आप बोल रहे हो कि मेरे साथ बोल रहे हो, अभी मैं फिर लिखवाऊंगा, ठीक है, फिर से पढ़ाऊंगा। आ जाओ 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190। योगा बच्चों हमारा नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर लिखा हुआ 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200।
ठीक है, इतना आसान था जो मैंने आपको सब कुछ राइट करवा दिया, ठीक है। अब हम इसको एक बार फिर से रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो जब जब मैं बोलूंगा तब तब आप भी बोलेंगे, और ऐसे ही बच्चों आपको यहाँ पे फिलिंग भी करनी है, ऐसे ही बच्चों आपको यहाँ पे फिल कर लेना, जैसे मैंने लिखवाया है राइट लेफ्ट टू राइट, वैसे आपको फिलिंग भी करना लेफ्ट टू राइट, बस समझ आ गई। तो राइट करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आ जाओ 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 आ जाओ, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, ठीक है। आ जाओ 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140। बच्चे ये भी हो गया हमारा, ठीक है। आगे आ जाओ 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, ठीक है। आ जाओ 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, ठीक है। 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, ठीक है। 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, ठीक है। आ जाओ 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200। बच्चों ये नंबर्स हमें ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही आना चाहिए, तभी आप बच्चों 200 तक के नंबर को सीख पाएंगे। बात समझ में आई?
चलो बच्चों, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे डिलीट करूँगा और आपको समझाऊंगा कुछ और, ठीक है। बच्चों आपका जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं डिलीट कर पाऊंगा। चलो बच्चों, अब आपको मैंने डिलीट कर लिया, लिख लिया होगा। अब मैं डिलीट कर देता हूँ और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपको अच्छा अच्छा लग रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कैसे करना है, कैसे क्या करना है। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ है रीड द नंबर नेम्स, रीड द नंबर नेम्स एंड राइट द नंबर्स, एंड राइट द नंबर्स। बच्चों फर्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ए, को 139, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सी वही लिख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी उनका 102, ठीक है। अब हमको उल्टा चलना है, अब हमको नंबर नेम से नंबर तक पहुंचना है, बात समझ आ रही। तो जैसे वो काम कर रहे थे वैसे यही काम भी करेंगे। तो बच्चों पहले आता है वंस प्लेस, फिर आता है टेंस प्लेस और फिर आता है हंड्रेड प्लेस, याद है ना। तो बच्चों आपको पता था ना कि जब यहाँ पे हंड्रेड प्लेस पे जो था तो उतना हंड्रेड लिख रहे थे, तो 100 यानी कि 100 नीचे कौन आएगा, 1 आएगा। और इन दोनों नंबर को हम एक साथ पढ़ रहे थे, याद है, ठीक है। तो ये क्या लिखा, 46 टू नंबर्स हैं, तो लिख लो 46। मेरे को कितने सारे लिख गया, 146 लिखने गया, लिख गया। तो बच्चों यही काम आपको करना है उल्टा चलने करके। फिर आप क्या करोगे, वंस प्लेस आएगा, टेंस प्लेस आएगा, फिर हंड्रेड प्लेस भी आएगा। अब इसका नेम लिखना है, तो मैंने कहा था हंड्रेड प्लेस पे कौन आएगा, तो ऐसे लिखते हैं हंड्रेड लिखना है 100, तो लिखोगे 100, कितना लिखोगे 100, हंड्रेड प्लेस पे कौन 139। और इन दोनों को एक साथ पकड़ते हैं, तो 39 को बच्चों कैसे लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा 3 आएगा टेंस प्लेस के नीचे और 9 आएगा वंस प्लेस के नीचे, तो कितना हो गया 139 हो गया। फिर लिखा हो जो 102, फिर कुछ नहीं करना, अब हमको लिखना पहले वंस प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड प्लेस, ठीक है। अब 100, तो यानी कि 100 नीचे कौन आएगा, 1 आएगा। और 102, अब बच्चों हमारे पास हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते थे, याद है। तो बच्चों 100 तो हो गया, अब बचा केवल 2। अब बच्चों 2 को हम ऐसे लिख देंगे तो हमारा केवल एक ही प्लेस कवर हो पा रहा है, जबकि हमको केवल कितना प्लेस करना है, 2 प्लेस। तो बच्चों अब हम या तो 2 को ऐसे लिख लें या तो 2 को ऐसे लिख लें। तो बच्चों ये 2 थोड़ी ना है, ये हो गया 20 और हमको लिखना है 2, तो 2 ऐसे लिखेंगे, बात समझ आ गई। तो बच्चों 2 हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, 102। बात समझ में आई आपके, अगर नहीं समझ में आई ये बात तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके सुन लो। मैंने क्या बताया बच्चों, 1 किस प्लेस पर, 100 प्लेस पर, तो 100 लिख लिया, यहाँ तक का काम हमारा वैसे नहीं, बचा केवल 2। अब केवल 2 को लिखना है, लेकिन हमको प्लेस 2 कवर करना है, 1 प्लेस 2 प्लेस चाहिए, लेकिन हमको नंबर कितना मिला, केवल 2। तो बच्चों 2 के अगर हम पहले बाद में जीरो लगा रहे हैं तो ये 20 हो जाएगा, हमको लिखना है 2, तो उसके पहले जीरो लगा के आते हैं। बात समझ आ गई बच्चों, तो बच्चों आप इसे जल्दी से नोट कर दो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसे।
और बच्चों को क्वेश्चन में करवा देता हूँ इसमें, ठीक है? आपने नोट कर लिया होगा इसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी हो गया, क्वेश्चन नंबर डी ई एफ, क्वेश्चन नंबर डी लिख लो। क्वेश्चन नंबर डी में रखा हूँ 160, ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर ई देख लो, क्वेश्चन नंबर ई लिखा 198, क्वेश्चन नंबर एफ है बच्चों 162, ठीक है? आया फिर देखो, चलो लिखते हैं बच्चों, इनका नेमिंग भी लिखते हैं, आ जाओ। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, फिर वही काम करेंगे, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये हंड्रेड प्लेस। 100 के नीचे, अब इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, कितना लिखना 60, और 60 में टू नंबर्स आ जाते हैं तो मतलब 60 ऐसे लिख लेंगे, बाकी का नाम अगर 6 होता तो 06 लिखते हैं। इसमें आ जाओ 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस, 198, तो बच्चों 100 और इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं तो क्या लिख लेंगे 98। देखो बच्चों हमारा ये आंसर हो चुका है। अब बच्चों अगर आप इनका नेम डायरेक्ट याद कर लेना तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिख लेंगे उनको, ठीक है? तो उससे अच्छा है कि आप नंबर को बार 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 पढ़ो तो आपका नंबर ही याद हो जाए। आ जाओ बच्चों, फिर आ जाओ 100th प्लेस, 10th प्लेस, 1st प्लेस, 100 तो लिख लिया 100, 62 तो 62 में बच्चों कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तो 1 और 2 प्लेस हमारा हो गया। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, ठीक है? बच्चों जल्दी से आपने नोट कर दो। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, और इसमें दो क्वेश्चन बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जी और क्वेश्चन नंबर एच, वो दोनों क्वेश्चन बच्चों आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों? तो चलिए आज के लिए हम क्लास को यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में मूव कर जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे, ठीक है बच्चों? तो अपना ख्याल रखिए और ऐसे बच्चों पढ़ाई करते रहिए, धीरे धीरे नई नई बातें सीखते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।